हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बो बनाना शेयर करेंगे। बो कई तरह से बनता है और इसके अलग अलग साइज होते हैं, तो आज हम गार्टर स्टिच बो बनाना शेयर करेंगे। ये जो गार्टर स्टिच बो है, ये देखने में जितना ब्यूटीफुल है, बनाने में उतना ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गार्टर स्टिच बो बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 18 स्टिच कास्ट ऑन किए हैं। आप इसमें स्टिचेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रो वन राइट साइड से फर्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुनना है। फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनने के बाद पूरी रो को मैंने सीधा बुनना है। तो इस पूरी रो में मैं 18 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी रो वन कंप्लीट हो गई है। अब रो सेकंड में, जो रो सेकंड है वो भी हम सारी नीट ऑल करेंगे। पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी रो टू भी कंप्लीट हो गई है। अब रो थ्री में पूरी रो को हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो रो वन है वही आगे रिपीट होती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी रो थर्ड भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम साइज के हिसाब से इसको बुनेंगे। आपने इसको सीधा सीधा ही ऊपर को बुनते जाना है। तो मुझे जिस साइज का बो बनाना है, यहाँ पर मेरी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। मुझे कंप्लीट 18 रोज बुननी है, तो इसमें मैं 15 रोज और कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी 18 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचेस क्लोज करेंगे। तो इसमें भी हम स्टिचेस सिंपल तरीके से ही क्लोज करेंगे। फर्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुनना है। फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनने के बाद सेकंड स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और फर्स्ट स्टिच को इस तरह से बंद करेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुनना है और बैक के स्टिच को इस तरह से बंद करना है। तो ये पूरी रो में हमने इसी तरह से सारे स्टिचेस क्लोज करने हैं। तो मैं ये पूरे स्टिचेस इसी तरह से क्लोज करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरे पूरे स्टिचेस क्लोज हो गए हैं। अब लास्ट में मेरे पास एक स्टिच बचता है, तो हम यहाँ पर धागा काटेंगे। और धागा काटने के बाद स्टिच के बीच से मैं इस तरह से धागा निकालूंगी और इसको भी बंद करूंगी। तो अब हमने ये साइड के धागे बंद करने हैं। तो यहाँ पर मैं सुई डालूंगी और जो बैक साइड है बो की, वहाँ पर हम स्टिचेस के बीच में ये धागा इस तरह से डाल के इसको बंद करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इनको बंद करना है और ये धागा इस तरह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो ये पूरा धागा हम इसी तरह से बंद कर देंगे। ये जो थोड़ा सा बचा है, इसको हम काट देंगे। अब दूसरी साइड से भी मैं सेम तरीके से ही धागा हटा लूंगी। तो यहाँ पर भी मैं सेम बैक साइड में स्टिचेस के बीच में धागा इस तरह से सुई से घुमा के इसको काट लूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों साइड के धागे भी हटा लिए हैं। ये आप देख सकते हैं धागा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने कहाँ पर बंद किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बो को फोल्ड करेंगे और जो बीच की हमारी लाइन आएगी वहां पर हमने एक सुई से इस तरह से धागा बीच में से क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हम एक स्टिच को उठाएंगे सुई से और एक स्टिच को स्किप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक स्टिच हमने उठाना है और एक को स्किप करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये रो सीधी ही उठानी है, आगे पीछे स्टिचेस नहीं उठाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये सारे स्टिचेस उठा लिए हैं। तो अब हम इस तरह से धागा खींचेंगे, दूसरी साइड के धागे को हम पकड़ के रखेंगे और इस तरह से धागा घुमा के और इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ पर हम धागा घुमाएंगे। ये जो दूसरी साइड का धागा है इसको भी हम इसी के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से घुमा के यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी बार चाहें यहाँ पर ये धागा घुमा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी और कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लास्ट में हम ये धागा भी इस तरह से गांठ लगा के इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है। और लास्ट में हम इसको सीजर से काट के सुई को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बो बनके रेडी हो गया है। ये जो हमने गार्टर स्टिच बो बनाया है ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। और आप चाहें तो दो अलग अलग कलर से भी गार्टर स्टिच बो बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।